पांच अंक में से जा सकती हूँ। सके तो सभी लोग अपने स्पीकर बंद रखें ताकि जो डबल आवाज आ रही है वह न आए। अभी सिर्फ सुनो, मैं जब बोलूं तो स्पीकर ऑन करके आप बोलना और मैं बंद हो जाऊंगी, ठीक है। कहानी लेखन जो है उसमें चित्र पर से आपको कहानी लिखनी है। कहानी का नाम, कहानी का नाम यानी कि शीर्षक, शीर्षक उसे हम कहानी का नाम भी कहते हैं, बराबर। आपको शीर्षक लिखना है और उसमें से आपको कहानी में से आपको क्या बोध मिलता है, यानी कि उसमें से आपको कौन सी सीख मिलती है, यह भी आपको लिखना है। ये पूरा लिखने के बाद आपको इसमें से भाषा कितनी अच्छी तरह से आपने लिखी हुई है, भाषा की भूल की है या नहीं, जो भूल की है तो उसके अंक जो है वह कट हो जाएंगे और नहीं की है तो उसके अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार कहानी लेखन है वह 5 अंक में आपको पूछी जा सकती है, बराबर। आप अपनी नोटबुक्स में 17 कहानी लेखन इतना सिर्फ लिख दीजिए पहले, फिर मैं आपको कहानी का चित्र बताऊंगी और मैं आपको पूछूंगी कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। कहानी लेखन यहाँ से देखकर लिख लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। लिख लिया सभी ने? मिस, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे। मुझे दिखाई दीजिए। कहानी लेखन नहीं दिखाई दे रहा है बेटा आपको? हाँ मिस, दिखाई दिया, दिखाई दिया। ओके, लिख लिया तो आपने? हाँ मिस। यहाँ पर आपको जो 4 चित्र दिए गए हैं, यह 4 चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 63 नंबर। रमेश, आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है ना वह बोलना है। रमेश, एक हाथी एक पेड़ को खिला रहा है। खिला रहा है? क्या खिला रहा है? डाली नीचे करके जा रहा है। मिस जा रहा है वो पेड़ से बात। मिस वो जा रहा है और पेड़ क्या कर रहा है? पेड़ फिर 2 मिनट मिस, फिर वो हाथी जा रहा था ना, तो ये पेड़ ने कहा ये मेरी डाली है। फिर वो उदास होकर चला गया। हाथी? हाँ हाथी। फिर वो पेड़ फिर से उधर गुजरा ना, तो पेड़ उसको बुला रहा था। वेरी गुड, प्रयत्न अच्छा है। स्पीकर बंद कर दीजिए। स्पीकर किसका शुरू है? स्पीकर के कारण दो आवाजें आ रही है बेटा। चलो अब 88 नंबर। हाँ मिस, आप बोलिए। एक पेड़ और हाथी थे। हाथी इसकी डाली खाने जा रहा था, तो पेड़ ने ना कर दी, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो डाली उसकी वो पेड़ की थी। फिर? और हाथी उदास होकर चला गया। फिर पेड़ उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था। वेरी गुड। फिर हाथी आया ही नहीं, फिर गुस्से से आकर डाली तोड़ दी। कौन से चित्र में डाली तोड़ दी है? दूसरे। फिर? फिर ओके बेटा,
अब कौन बोलेगा? आप में से कोई कहानी बोलना चाहेगा बेटा चित्रकार से? अमीश। हाँ बोलिए, आपका नंबर कौन सा है? 52 नंबर। ओके बोलिए बेटा। मिस है ना, मिस 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 एक पेड़ था ना, मिस ना मिस एक हाथी था, तो मिस हाथी ने मिस है ना मिस इसकी पेड़ की डाली है ना ये तोड़ डाली, तो पची पची है ना तो ये पेड़ है ना पेड़, तो हाथी को कहता है कि क्यों 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 मेरी डाली तूने तोड़ी। तीसरे महीने हाथी उदास उदास होकर चला गया, पछी पेड़ ने हाथी को बुलाया इधर आ, तो पछी हाथी इधर आया। बस हमीश। ओके अब देखिए यहाँ पर जो पहला चित्र है ना उसमें बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ यानी कि कौन सा पेड़ पता है आपको? बरगद का पेड़ किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं, नहीं। किसी को नहीं पता? मिस वर्म झाड़। वेरी गुड, बरगद का पेड़ यानी कि वडनू झाड़। तमने खबर हो ने, तो वडना झाड़ मां વડવાયો હોય છે લાંબી લાંબી અને એમાં ટેટા હોય છે લાલ કલર ના, ખબર છે તમને? તો ઈ જે ઝાડ છે ને એને હિન્દીમાં આપણે બરગદ કહેવાય, કહેવાય બરગદ કહેવાય, બરાબર? તો જંગલ મેં એક બડા સા બરગદ કા પેડ થા ઓર ઉસી જંગલ મેં એક હાથી ભી રહેતા થા। અબ યહ बरगद पेड़ और हाथी दोनों पक्के मित्र थे, इतने पक्के कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मगर एक दिन क्या हुआ कि बातों ही बातों में यह जो हाथी है उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वह अपने मित्र यह जो बरगद का पेड़ उसका मित्र था उसकी टहनी टहनी यानी कि डाल वह अपनी सूंड से खींचने लगा और वह तोड़ने का प्रयत्न करने लगा। अब देखो हमारे शरीर के अंग को कोई खींचता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है ना? होती है। हाँ, तो इसी प्रकार यह जो पेड़ था उसके टहनी को खींचते हुए देखकर उसे भी बहुत तकलीफ हुई और वह हाथी को समझा। अभी लिखना है? अभी नहीं, मैं अभी लिखवाऊंगी बेटा। हाँ अभी सिर्फ आपको सुनना है। तो वह हाथी को समझा रहा है कि देखो मेरी डाली जो है वह तुम मत तोड़ो, मुझे यहाँ से निकालने का प्रयत्न मत करो क्योंकि मैं तो सबकी मदद करता हूँ, सबको छांव देता हूँ और सब लोग धूप जब होती है तो मेरी छांव में नीचे आते हैं तो उसे ठंडक मिलती है, यह उसने समझाया। तो उसके बाद जो है वह हाथी को बुरी लग गई और उससे वह गुस्सा होकर वहां से चला गया। अब देखो हमारे यहाँ तो तीन ऋतु होती है, आपको पता है ना, ठंड की, गर्मी की और बारिश की। तो अब तो गर्मी की ऋतु थी और सूरज जो है वह तो इतनी ताप दे रहा था, इतनी ताप दे रहा था कि मानो गर्मी के मारे हमारा रहना मुश्किल हो गया था। तो यह जो जंगल में रहने वाले पशु है वह क्या करते? तो इस प्रकार गर्मी के कारण जो हाथी है वह भी परेशान हो गया था। तब उसके मित्र बरगद के पेड़ ने उनसे कहा कि मित्र यहाँ पर मेरे पास चले आओ, मेरी छांव में तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हें गर्मी महसूस नहीं होगी, यहाँ पर तुम्हें ठंडक मिलेगी।
तो इस प्रकार बरगद का पेड़ जो है वह हाथी को अपनी छांव में बुला लेता है और हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर शांति और ठंडक महसूस करता है और बरगद के पेड़ की बात वह मान लेता है। तो इस प्रकार दोनों के बीच में फिर से मित्रता हो जाती है। तो इस प्रकार इस चार चित्र से पूरी कहानी बनती है। अब इस कहानी का हमें नाम देना हो तो हम नाम क्या देंगे? पेड़ और हाथी की कहानी। पेड़ और हाथी की कहानी पेड़ और हाथी की मित्रता। वेरी गुड। पेड़ और हाथी की मित्रता और फिर पेड़ हाथी और बरगद का पेड़, यह भी हम लिख सकते हैं ना, हाथी और बरगद का पेड़ यह भी हम लिख सकते हैं और हाथी और पेड़ की मित्रता यह भी लिख सकते हैं, बराबर। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है पता है किसी को? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वेरी गुड। हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए और फिर और भी हम एक सीख और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं याद करो तो। हाथी ने बरगद के पेड़ के साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी हाथी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? अच्छा है ना। तो हमारा मित्र हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे मगर हमें हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बराबर। अब आप कहानी जो है वह लिखिए। उससे पहले लिखिए शीर्षक। शीर्षक लिखना आपको आता है ना? यहाँ पर लिखिए शीर्षक। शीर्षक फिर डैश करके लिखिए। कौन से दो शीर्षक हम देंगे, कौन से दो नाम देंगे? शीर्षक लिखा सभी ने? शीर्षक लिखा बॉयज सभी ने? हाँ मैं लिखा। उसके सामने लिखा क्या? क्या बेटा? लिखा क्या? ओके। उसके बाद शीर्षक यानी कहानी का नाम। दो मिनट। ओके। शीर्षक यानी कहानी का नाम। क्या लिखना है? कहानी का नाम लिखिए हाथी और बरगद का पेड़। हाथी और बरगद का पेड़। मिस तुम स्क्रीन पर देखा रहे हो वो लिखना है? नहीं नहीं ये तो कहानी है, आपको अपने आप ही लिखना है। देखो यहाँ पर मैं लिखूं हाथी और बरगद का पेड़। हाथी और बरगद का पेड़, बराबर। और दूसरा शीर्षक कौन सा लिखेंगे? हाथी और पेड़ की मित्रता। हाथी और पेड़ की मित्रता। इन दोनों में से आप कोई भी नाम परीक्षा में लिख सकते हो, बराबर।
अब कहानी हमें लिखनी शुरू करनी है। पैराग्राफ करके लिखिए। पैराग्राफ करके लिखिए। ए ए जंगल था। लिख रहे हो ना सब बेटा? वॉइस नाम है सुनीता। ओके, एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। दूसरा पैराग्राफ करके लिखिए। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया यानी कि गुस्सा हो गया। और बरगद की डालिया तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से
जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा लिख लिया ना यह बेटा? हाँ मिस। अभी बाकी नहीं है ना किसी को? ना मिस। ओके, उसके बाद पैराग्राफ करके लिखिए। तीसरे पैराग्राफ में बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा। स्क्रीन दिखाई देती है बेटा? जागी है थोड़ी। नहीं मैं हाँ बस अब दिखाई दे रही है, अब ऐसे रखना। ओके ओके। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा। डबल इन्विटेड कोमा में लिखिए, हाथी भाई मुझे मुझे क्यों क्यों उखाड़ रहे हो मैं सबके लिए बहुत बहुत उपयोगी हूँ गर्मी के मौसम में जब सूरज नीचे क्या है? क्या बेटा? ये जो आप लिखा रहे हो वो कहानी है, आप अभी जॉइन हुए हो बेटा? हाँ मिस। हाँ तो मैं कहानी लिखवा रही हूँ, बरगद का पेड़ और हाथी। या हाथी पीडीएफ भेज दूंगी। चार्जिंग हो गया था ना, चार्जिंग नहीं था इसलिए वो लेफ्ट हो गया था अभी। ओके ओके, हो सके ऐसी पीडीएफ कदाच नहीं भेजू तो आप वीडियो देख लेना, उसमें भी होगा। ओके। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर
गर्मी गर्मी बरसाता है बरसाता है तब तब सभी सभी पशु पक्षियों को पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ मैं छांव देता हूँ अतः अतः मुझे मुझे रहने दीजिए मुझे रहने दीजिए मैं आपकी भी कभी कभी सहायता सहायता करूंगा करूंगा यह पैराग्राफ लिख लिया सभी ने बेटा आवेश बाकी नहीं है ना किसी को लिखा क्या है ओके चलो उसके बाद का पैराग्राफ लिखिए कई दिन बीत गए गर्मी के दिनों में दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा हाथी व्याकुल हो उठा इतने में उसने आवाज सुनी डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए हाथी भैया
हाथी भैया अकुलाओ मत, अकुलाओ मत, अकुलाना यानी कि अकुल व्याकुल थव, परेशान होना, बराबर। अकुलाओ मत, इस ओर आओ, इस ओर आओ, मेरी छाया में, मेरी छाया में बैठो, बैठो, आराम करो, आराम करो, यहाँ तुमको, यहाँ तुमको गर्मी से, गर्मी से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी, डबल इनविटेड कोमा पूरा, डबल इनविटेड कोमा पूरा। हाथी, हाथी बरगद के, बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आकर, आकर खड़ा रहा, खड़ा रहा, उसे, उसे सचमुच, सचमुच चैन मिला, चैन मिला यानी कि आराम मिला, उसने, उसने बरगद के पेड़ का, उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना, उपकार माना। हाथी और, हाथी और बरगद, बरगद दोनों, दोनों खुश हो गए, खुश हो गए, अब उसके नीचे यानी कि यहाँ पूरा पैराग्राफ पूरा हो गया है, उसके नीचे बोध या सीख करके लिखिए, सीख फिर डैश करके लिखिए, हमें, हमें
पेड़ हमें पेड़ नहीं काटने नहीं काटने चाहिए चाहिए। और दूसरी सीख है, दो नंबर करके लिखिए, हमें हमेशा मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए करना चाहिए। लिख लिया सभी ने? दो मिनट। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मेरे को बाकी था। हेलो मिस, ये लेक्चर तो खत्म हो गया। बस अभी खत्म ही होने वाला है बेटा। ओके ओके बेटा। लिख लिया बेटा? हाँ मिस। ओके मिस, लिखा गया है मिस। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वह पूरा होता है। और आज मैंने आपको बरगद के पेड़ और हाथी की कहानी लिखवाई। वह कहानी आपको एक बार रफ बुक में लिखकर होमवर्क में मिस को दिखानी है। ओके ओके ओके।